नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 30 दिन के बाद में हमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए। इस विषय पर इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन में समय समय पर हमें अलग अलग प्रकार के खाद डालने की आवश्यकता होती है। इसमें बात करेंगे कि जब लहसुन की फसल 30 दिन की हो जाती है तो उसके बाद कौन कौन से पोषक तत्वों की हमें पूर्ति अपनी फसल में करनी पड़ती है। तो देखिए किसान भाइयों, लहसुन की फसल को शुरुआती स्टेज में जो है नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि लहसुन का फसल का जो पौधा होता है एक ऐसा पौधा होता है जिसको अगर समय पर नाइट्रोजन नहीं दी जाती है तो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं बन पाती है और आगे जाकर हमें अपनी फसल से अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 30 दिन के बाद में हमें यूरिया खाद की पूर्ति करनी पड़ती है। यूरिया खाद के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है जो हमारी फसल में 30 दिन के बाद में पौधे को अच्छी ग्रोथ देती है। यूरिया खाद का मुख्य काम होता है किसी भी फसल की ग्रोथ को बढ़ाना। तो लहसुन की ग्रोथ 30 दिन बाद जो है लहसुन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूरिया खाद काफ़ी अच्छा काम करता है। तो करीबन 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें यूरिया खाद डालना चाहिए। इसके अलावा लहसुन को अंदरूनी ताकत मिले इसके लिए हमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालने की आवश्यकता होती है, जिसके रूप में हमें 4 किलोग्राम बायोविटा और 4 किलोग्राम माइकोराइजा, साथ ही 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, ये सभी चीज़ें प्रति एकड़ की दर से अपनी लहसुन की फसल में यूरिया खाद के साथ में मिलाकर डालनी पड़ती हैं। इन्हीं के साथ में किसान भाइयों 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी आप अपनी लहसुन की फसल में 30 दिन के बाद में डाल दीजिए। ये सभी चीज़ें आपको डालना पड़ती है क्योंकि इन सभी चीज़ों के माध्यम से हमारी लहसुन की फसल में कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होती है जिनसे लहसुन की जड़ों का भी विकास अच्छा होता है, लहसुन का तना मजबूत होता है, लहसुन की पत्तियां जो पीली पड़ जाती है वह भी फिर से हरी भरी हो जाती है। अगर कोई पौधा कमज़ोर है तो उसकी कमजोरी दूर हो जाती है और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। तो यह सभी फायदे के लिए हमने जो आपको वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई है, जो खाद हमने आपको बताए हैं, इन सभी को एक साथ में मिक्स करके अपने लहसुन की फसल में 30 दिन के बाद में डालकर फिर अपनी लहसुन की फसल की पिलाई कर दीजिए। इससे ये सभी खाद गलकर जमीन के अंदर जड़ों के पास पहुंच जाएंगे और फिर पौधा इनको जड़ों के माध्यम से लेना शुरू कर देगा। तो यह खाद आप 30 दिन के बाद में अपनी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की है लहसुन की फसल में 30 दिन बाद डाले जाने वाले खादों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाई इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।